हमने से गया तक बोलना और लिखना सीख लिया था। आज हम क्या सीखेंगे? खाली स्थान भरना। क्या सीखेंगे? खाली स्थान भरना। जैसे यहाँ पे अ से अनार दे रखा है, तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि क्या आएगा। तो इस वीडियो को अगर हमें ये सब फिलअप करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, अ से अनार। अब यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो आपको अ से गया तक मैंने कल आपको सिखा दिया था, तो आप सोचो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा अ से अनार के बाद? हाँ, आ से आम। अब यहाँ पे ई से इमली दे रखा है, ई से इमली के बाद में क्या आता है, क्या आता है? सोचो सोचो क्या आता है? हाँ, बड़ी से ई। नेक्स्ट यहाँ पे उसे उल्लू पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है? उसे उल्लू। उसे उल्लू के बाद में क्या आता है, क्या आता है? बड़ा उसे ऊन। नेक्स्ट री से ऋषि दे रखा है, ऋषि ऋषि के बाद में क्या आता है, क्या आता है बच्चों? हाँ, ए से एड़ी। उसके बाद में ऐसे ऐनक दे रखा है, फिर उसके बाद में क्या आएगा? ऐसे ऐनक के बाद में क्या आता है? ओ से ओखली। क्या आएगा? ओ से ओखली। नेक्स्ट औ से औरत दे रखा है, उसके बाद में क्या आता है? सोचो बच्चों क्या आएगा औ से औरत के बाद में? हाँ, अंग से अंगूर। उसके बाद में अनन मना ऑलरेडी दे रखा है, फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नेक्स्ट क से कबूतर। क्या दे रखा है? क से कबूतर। फिर खाली स्थान छोड़ा हुआ है, अब क से कबूतर के बाद में क्या आता है, क्या आता है बच्चों? हाँ, ख से खरगोश। नेक्स्ट ग से गमला दे रखा है हमें, उसके बाद में क्या आता है? हाँ, घ से घड़ी। फिर अनमना कुछ नहीं ऑलरेडी पहले दे रखा है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा? छ से छतरी के पहले क्या आता है? हाँ, च से चम्मच। क्या आएगा? च से चम्मच। अब छ से छतरी दे रखी है, उसके बाद में क्या आएगा? हाँ, ज से जहाज। क्या आएगा? ज से जहाज। नेक्स्ट ज से झंडा दे रखा है, अना मना कुछ नहीं दे रखा है, उसके बाद में ट से टमाटर भी दे रखा है। अब ट से टमाटर के बाद में क्या आएगा बच्चे, सोचो क्या आएगा? हाँ, ध से क्या आएगा? ठ से ठटेरा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है? ड से डमरू। क्या दे रखा है? ड से डमरू। अब ड से डमरू के बाद में क्या आता है बच्चों? हाँ, ढ से ढक्कन। उसके बाद में आना माना कुछ नहीं, पहले से दे रखा है। चलो अब आता है ढ से तलवार। अब ढ से तलवार के बाद में क्या आता है बच्चों? हाँ, ढ से थन। क्या आता है? ढ से थन। अब ढ से दवात ऑलरेडी दे रखा है, ढ से धनुष भी दे रखा है, न से नल भी दे रखा है, प से पतंग भी दे रखा है। प से पतंग के बाद में क्या आता है बच्चों? सोचो सोचो क्या आता है? हाँ, प से फल। प से फल के बाद में क्या आता है बच्चों? ब से बकरी। भ से भालू दे रखा है, म से मछली पहले से दे रखा है, य से यज्ञ भी दे रखा है। अब य से यज्ञ के बाद में क्या आता है बच्चों? आपने कल लास्ट वीडियो में देखा था ना, से यज्ञ के बाद में क्या आता है? हाँ, रसे रस्सी। उसके बाद में नेक्स्ट ल से लड्डू दे रखा है, ल से लड्डू के बाद में क्या आता है? हाँ, व से वकील। नेक्स्ट दे रखा है श से शलगम। उसके बाद श से षटकोण भी दे रखा है, अब श से षटकोण के बाद में क्या आता है बच्चों? हाँ, स से सड़क। क्या आता है? स से सड़क। अब ह से हल दे रखा है, अक्ष से क्षत्रिय भी दे रखा है, त्र से त्रिशूल भी दे रखा है। अब त्र से त्रिशूल के बाद में क्या आता है? हाँ, ज्ञ से ज्ञानी बाबा। अब आप इसको
आपको समझ आ गया नहीं कैसे फिल अप करते हैं? इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोटबुक में नोट करो जो ऊपर सबसे ऊपर डेट लिखनी है और ऊपर सबसे ऊपर क्लासरूम लिखनी है, उसके बाद में आप नोटबुक में लिखना है। ओके, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।